बॉलीवुड स्पाई एंड टुडे वी हैव विद अस मोहित चड्ढा. मोहित स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में. थैंक यू सो मच. सो मोहित, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर यू. आपने तमिल तेलुगु इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, उसके बाद हिंदी इंडस्ट्री में, और एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ काफी लंबे अरसे के बाद आप एक बहुत ही पावर पैक ट्रेलर के साथ सामने आए हैं. कैसी लगी है आपकी जर्नी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग रही है जर्नी. इनिशियली बहुत लोगों ने काम दिया, बाद में वैसा काम नहीं मिला जो करने का मन था, तो हमने कहा खुद के लिए कुछ करते हैं, खुद ही बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग. तो आपने जैसे कहा पावर पैक ट्रेलर में आपने देखा, क्या आपको जेन्युइनली लगता है पावर पैक ट्रेलर? बिल्कुल, मैंने ट्रेलर देखा है और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा है ट्रेलर. मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ रही थी तो उसमें भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ नया देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है. बस यही कारण था कि थोड़ा समय ले लिया हमने कुछ बनाने में, ताकि ऐसा ही कुछ होपफुली रिस्पॉन्स मिले, और लकीली थोड़ा बहुत मिल भी रहा है. एंड हम बस होप कर रहे हैं कि फिल्म के बाद भी कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले. बिल्कुल मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेलर जब से ही सामने आया है काफी बस है ट्रेलर को लेकर, आप स्टोरी लाइन को लेकर, आपको अभी तक कौन से सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिले हैं? पता नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट. मैं बहुत नर्वस हूँ. मेरे को सबसे खराब वाला कमेंट पहले दिखता है. मैं अच्छे वालों से ज्यादा बुरे वाले ढूंढ रहा होता हूँ कि क्या भैया बुरा क्या बोला है किसी ने, तो मुझे अभी भी नहीं पता है. और मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि फिल्म देखने के बाद अगर लोग रिएक्ट करें तो ज्यादा मजा आए, क्योंकि एज अ ट्रेलर वो That trailer is as an actor मुझे उसमें कहीं पे compliment नहीं मिल सकता, मेरे को ऐसा लगता है. अगर कोई दे रहा है तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ उन लोगों का. But फिल्म देख के अगर अच्छा कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा. All right. So, Mohit, हमें कुछ बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर में सामने आ रहा है कोई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सदस्य है, हमें कह सकती हूँ कैरेक्टर है जिनके लाइफ को बहुत ही ज्यादा डेंजर हो रहा है और इतनी उथल-पुथल मच रही है ट्रेलर में, हम आपसे जानना चाहते हैं. देखिए पॉजिटिव कैरेक्टर है, जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ काफी पॉजिटिव कैरेक्टर है, काफी बेबाक कैरेक्टर है, काफी मतलब वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं छोड़ता चाहे वो कहीं पर भी फंसा हो. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. और हाँ, एज पर द फिल्म काफी अमीर इंसान है. बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा ऑनेस्टली. फिर फिल्म देखने का क्या मजा आया? जैसे मैंने कुछ कमेंट, जैसे आप बोल रहे हो कुछ खराब कमेंट्स, जैसे मैं पहले सबसे ढूंढ के पढ़ता हूँ, तो मैंने पढ़ा भी था कि पूरी फिल्म दिखा दी. अब मेरा मन बड़ा किया नीचे लिखने का कि भाई पूरी फिल्म देख तो लो, फिर तुम्हें पता चलेगा पूरी फिल्म दिखाई गई नहीं. बट ठीक है, अब व्हाटएवर एवरीबॉडी राइट्स टू मतलब डिसाइड, आई वुड स्टिल से वॉच द फिल्म. देयर इज अ लॉट मोर टू द फिल्म. काफी मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने में. उस प्लेन के सेट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, उस प्लेन के सेट को हवा में उठाने में बहुत मेहनत लगी है, शूट के टाइम पे बहुत मेहनत लगी है. क्योंकि पहले हमको लगा था शूटिंग बहुत आराम से होगी, क्योंकि एसी फ्लोर है और एसी फुल ब्लास्ट पे चलेगा. लेकिन हमने किसी ने रियलाइज नहीं किया था कि सेट तो बंद है सिर्फ, तो इट वाज मोर लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सेट के साथ हो रहा था. तो वो 5 मिनट के अंदर इंसान पूरा गीला हो जाता था. हमने पता नहीं कितने पोर्टेबल एसी मंगवाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट हाँ, मजा बड़ा आया वो करते हुए. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे. टर्बुलेंस ज्यादा हो जाती है, टर्बुलेंस कम हो जाती है. दो तीन ऐसे एक्सपीरियंस थे जहाँ टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो गई थी. एक में मैं एक छोटे एयरक्राफ्ट में था, मैं चेन्नई से शूट करके वापस आ रहा था और हम समुंदर के ऊपर थे. तब शायद एक एयरलाइंस थी एयर सहारा, वो फंक्शन करती थी.
उनका एक छोटा एयरक्राफ्ट था, वो इतना बुरा हिला था प्लेन के, मुझे सच्ची में लगा था कि घर फोन कर लेता मैं, काफी पुरानी बात है, तो मेरा मन बड़ा गया था कि मम्मी से बात तो कर लेता कम से कम। उसके अलावा एक और एक्सपीरियंस था, मैं, मेरी वाइफ और हमारे एक बड़े करीबी मित्र हैं हार्दिक, वो हम लोग आ रहे थे। उस दिन भी कुछ ऐसा टर्बुलेंस हुआ था कि हम तो दोनों खैर हंस रहे थे कि पता नहीं अभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर सोचा कि चलिए, तो ऐसे ही वाले थे एक्सपीरियंस तो खैर। अगर बात करूं इस फिल्म में, तो किसका कैरेक्टर हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा? ये सभी के कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो सरप्राइज परफॉर्मेंसेस होंगी। इनफैक्ट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पवन जी हु एग्रीड टू डू द फिल्म, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर जाकिर हुसैन। आई थिंक ही इज समबडी दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। शिबानी बेदी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, शी विल बी अ रेवलेशन आफ्टर दिस फिल्म होपफुली। तो सभी बहुत अच्छे थे, हमारा हमेशा से मकसद यही था कि ऐसे एक्टर्स के साथ काम करें जिनका काम हमको बहुत देखने में मजा आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जी जी सो मोहित, मैंने जैसे कि कहा कि मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े और मैंने सोशल मीडिया पर भी काफी बज देखा फ्लाइट को लेकर, आपकी तुलना शाहरुख से की जा रही थी, उनके जो पर्सनालिटी है, जिनका वो एटीट्यूड वो कैरी करते हैं इस तरह की फिल्मों में, आपने भी आई एम प्रीटी मच श्योर कि सुना ही होगा, क्या रिएक्शन रहा? मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी अनफेयर फॉर अ लिविंग लेजेंड टू बी कंपेयर्ड टू अ नोबडी लाइक मी। मेरी क्या हैसियत उनके सामने, मतलब वो किंग खान, मैं कौन हूं, तो ये अनफेयर है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। बट हाँ, अगर उनके टैलेंट के मुकाबले मेरी तारीफ फिल्म देख के हो जाए तो मुझे वो जरूर अच्छा लगेगा। मतलब मैं 5% 10% भी उनका अचीव कर लूं तो मैं काफी खुश होऊंगा जिंदगी। उन्होंने अपनी गुड विशेस भेजी है, ये मैं बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी तारीफ की है कि नहीं की है, क्योंकि जब तक वो मेरे मुंह पर नहीं करेंगे मैं मान नहीं पाऊंगा। बच्चन साहब जो है वो मेरे लिए भगवान है। हम उनको नहीं जानते पर्सनली, मेरी वाइफ ने उनको मैसेज किया था क्योंकि वो जानती है मैं उनका कितना बड़ा फैन। मैं बोल चुका हूँ ये एक आध बार पहले भी कि मैं तो सच में उनके घर के बाहर से गुजरते वक्त हाथ जोड़ के निकलता हूँ, जितना भी अटपटा लगे लोगों को, मेरे पे हंसते हैं लोग। मेरी बहुत सारी लड़ाइयां हुई है इनफैक्ट अपने दोस्तों से, अगर किसी ने उनकी परफॉर्मेंस को कहीं पे भी क्रिटिसाइज कर दिया हो। मैं तो लाल बादशाह और मृत्युदाता फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुका हूँ स्कूल बंक करके, तो मैं उतना बड़ा फैन हूँ। और जब वो हुआ तो आई थिंक आई कैन ओनली थैंक माय वाइफ एंड आई कैन बी रियली, आई फील आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने हमारी फिल्म को का जो ट्रेलर है वो ट्वीट किया। आई थिंक उस शाम को मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। इनफैक्ट मैं अभी भी रो दूंगा, मैं इस पे थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैं फंबल भी बहुत ज्यादा करता हूँ उसके बाद। जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स उसमें है, इस तरह की स्टोरी लाइन पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ फ्लाइट में हमें क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा जो ऑडियंस को फ्रेशनेस दे सके। आप बोल रही हैं कि इस तरह की स्टोरी पहले भी आ चुकी है, हमको तो लगा था हम पहले जो ऐसी तरह की स्टोरी बना रहे, हमको नहीं पता था पहले आ चुकी। आप प्लीज बताएं हमको कब आई है। इस तरह की जो हाईजैक वाली प्लॉटिंग होती है मैंने उसके बारे में, नहीं मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म में हाईजैकिंग कोई फिल्म मिड एयर बनाई गई है इससे पहले, और मैं इमोडेस्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। हमने इसीलिए ये सब्जेक्ट चुना था कि क्या होता है, प्लेन के साथ काफी फिल्में बनी है। हाँ, हाईजैक पे भी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम भी हाईजैक था, बट हमारा टेक कंप्लीटली अलग था फिल्म को लेकर।
हमारा टेक वाज मोर ऑफ एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर, मोर ऑफ एन एक्शन थ्रिलर विद वन कैरेक्टर फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, जब कोई भी नहीं है, मिड है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो थ्रिल पार्ट है, जो बिकॉज ऐसी सिचुएशन में फंसना जहां आप अकेले हैं और कोई आपके आसपास नहीं है और वो प्लेन हवा में उड़ रहा है ना, आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं, आपको शायद वो प्लेन कहां लेके जाएगा, क्या होगा, दैट इज द न्यूनेस ऑफ द प्लॉट. सो मोहित, स्पीकिंग अबाउट दिस एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये. सो इंडियन सिनेमा में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है एक्शन और थ्रिलर को, कहीं ना कहीं फिजिक्स से कंपेयर किया जाता है. क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की ऑडियंस को अपने आप सोच को थोड़ा वाइडन करना चाहिए, या फिर जो फिल्म मेकर्स है उनको उस तरह से फिल्में प्रदर्शित करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है. पहले तो जब हम फिल्में सिनेमा में देखने आते हैं तो हम आम तौर पे हम चाहते हैं, हम बेसिकली कौन सा सिनेमा ज्यादा चलता है या कौन सा सिनेमा ज्यादा पसंद किया जाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लार्जर देन लाइफ होता है. थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं सब. अब अगर चाहे गाड़ियां हवा में उड़ रही हो, चाहे बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहे हो, अब सॉरी ऐसे मैं मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, बट एवेंजर्स में बहुत ज्यादा होता है, बट हम कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है अनफेयर है. एंड हैट्स ऑफ टू रोहित शेट्टी सर, उन्होंने तो कमाल कर रखा है एक्शन फिल्म्स के मामले में. इनफैक्ट बोथ सूरज एंड मी आर ह्यूज फैंस ऑफ हिज फिल्म. हम तो अक्सर हंस भी देते हैं कि जो वो गाड़ियों के साथ करते हैं, हमने एक प्लेन के साथ करने की कोशिश की है, हम अचीव कर पाए कि नहीं हमको नहीं पता है. बट हाँ, जहां तक लॉजिक का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, इस फिल्म में हमने कोशिश पूरी की है कि काफी रिसर्च की हमने, हमने कुछ 4-6 महीना रिसर्च की थी इस फिल्म पे, पूरे के पूरे मैकेनिक्स पे, पूरे के पूरी फिजिक्स पे. तो कहीं ना कहीं जो भी किया गया है, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई इट. आई थिंक जब लोग फिल्म देखें तो उसको एंजॉय करें, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप फिल्म में होल्ड कर लें किसी को तो थोड़ी देर के लिए सब बाकी सब भूल जाते हैं. हाँ, बट हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं हमारी फिल्म इलॉजिकल नहीं. कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, हमने अपनी रिसर्च की है और हमने अपनी समझ और कैपेसिटी के हिसाब से एक सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, बट इतनी नहीं ली है कि वो फार्सिकल लगे या वो फनी लगे. जी. So, Mohit, coming to my last question, and in fact, हमारे सारे viewers भी ये जानना चाहेंगे कि flight को वो कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं. Please go ahead और हमारे viewers को बताइए. देखिए, 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आप फ्लाइट को देख सकते हैं, और होपफुली काफी लंबे समय के लिए देख सकते हैं. बाकी तो खैर, जो देख रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कितनी देर तक देख सकते हैं. Thank you so much, Mohit, for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. मैं चाहूंगी कि मेरे सारे ही दर्शक 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में फ्लाइट को देखने जरूर जाए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोहित की एक्टिंग और ये फिल्म उन्हें कैसी लगी. आपको भी जाना पड़ेगा. हाँ जी, आपको भी जाना पड़ेगा, सिर्फ अपने दर्शकों को ना भेजें आप. जी बिल्कुल. थैंक यू. मैं भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगी. थैंक यू सो मच मोहित. थैंक यू.